अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रियाज पिजन वर्ल्ड के कॉर्नर से अपने चैनल से। अच्छा, आज ना एक डिफरेंट सी वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा आप। हो सकता है ये कहते हैं कि यार ये मतलब मेंटल हो गया, किस किस किस्म के कबूतर जो है वो दोस्तों को दिखा रहा है। ये उस्ताद है मेरे, उस्ताद मियाँ मुस्तजा मोशी साहब, सारे दोस्त जानते हैं। यूट्यूब पर उनका अपना भी चैनल है, मेरे साथ भी उनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो उनका कबूतर, उनको भी वैसे याद क्यों नहीं होना, मैंने रखा हुआ था अपने पास। ये 14 पर वाला कबूतर है, इसके दुम में 14 पर है, लेकिन इसके दुम फेल नहीं होती कि 14 पर है। उनकी स्लेटी ब्रीड के मेन कबूतरों में से है ये, और बहुत शानदार कबूतर है। इनके रिजल्ट भी बड़े अच्छे रहे हैं। मसला ये हुआ है कि ये बुत डालना छोड़ गए। मैं सिर्फ ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि भाई जो मेहनत कर सकता है वो ले ले। मादा कच्चे अंडे देती है, यंग मादी है। मादे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नर बुत नहीं डालता, ये जहन में रखिएगा, नर बुत नहीं डालता। बाकी जो इलाज कर सकता हो कर ले, मैं शौक करवा देता हूँ। जो समझता है कि वो इलाज कर लेगा और संभाल लेगा, इसी बहाने आपको शौक भी हो जाएगा कि मियाँ साहब के कबूतर हैं कैसे। बहुत शानदार कबूतर हैं, और यकीन करें ये 14 परों के साथ इनकी परवाज़ ही ख़त्म नहीं होती। धुम के 14 पर हैं, और उसके बावजूद ये दिखाते भी नहीं है कि धुम के 14 पर हैं। हालाँकि इतनी बड़ी धुम हो तो कबूतर वैसे ही फूला फूला सा रहता है। नया ब्रीड, और ये उनकी मेन जो क्रीम है स्लेटियों में भी, ये उनमें से कबूतर है। अभी आप देखें कि आम इसकी नॉट आप देखें ना यहाँ से, तो नॉर्मल जो 12 पर होते हैं वही है। ये इसको मुशी भाई की कड़ी भी डली हुई है, ये देखो। नहीं जी, ये मादी है। अच्छा, ये है, ये भी मुशी भाई वाले कबूतरों में से, सुरखे भी निकलते हैं उसमें, लेकिन ये डायरेक्ट उनकी तरफ से नहीं आई हुई मेरे पास। बेसिकली ये मादा आई हुई है खलीफा साहब, दोस्त जानते हैं सारे खलीफा साहब कौन है, उनकी भी मैं वीडियो अक्सर बनाता होता हूँ। और है ये मुशी भाई वाले कबूतरों में से, लेकिन ये खलीफा साहब के पास पड़े हुए थे कबूतर, उनमें से आगे पट्टी निकली हुई पट्टी थी। ये यंग है बिल्कुल, लेकिन ये देती थी कच्चे अंडे, और लगी हुई इस नर के साथ है। आगे जनाब जो मेहनत कर सकता हो वो कर ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना मैं इतनी मेहनत करता होता हूँ। ये ले जी, ये नर स्लेटी और ये मादा। उस्ताद मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब के घर से नर जेन्युइन, और मादी खलीफा साहब की तरफ से आई है। ब्लड लाइन वही है सेम, सिर्फ आपको बता दिया है कि भाई नर बुत नहीं डालता और मादा कच्चे अंडे देती है। आगे जो इस्तेमाल कर सकता हो, जिसको शौक़ है कि वो ब्रीड को संभाल लेगा, क्योंकि वैसे आप लेंगे पूरा फुली फिट तो बात लाखों में चली जानी है, और ये हो सकता है मैं किसी दोस्त को ऐसे ही दे दूँ।